मेरा वाइट बुक लास्ट टाइम वाला सारा इरेज हो गया। हाँ मैं उस चीज को जल्दी से ड्रॉ कर देता हूँ जहाँ पे वो रह गया था जो था सर हो गया हमारा आपका पीसी है हो गया काउंटर। हाँ मोहम्मद गया। आप लोगों का एटीट्यूड अजीब है क्लास की तरफ। मेरे लगता है आप लोगों को ना इसके ऊपर जब पेनल्टी लगेगी ना फिर आप सही हो गए। एक चीखे मार रहा होता है, एक गाने सुन रहा होता है, क्लास चल रही है क्या चल रहे हैं? क्लास ले रहे हो या बस अटेंडेंस के लिए आए हुए? तो अटेंडेंस में वैसे ही दे देता हूँ, चले जाओ, क्लास लीव कर दो। ऑलराइट अच्छा जी, प्रोसेसर का जो काम है अगेन एक दफा रिकॉल कर देता हूँ जल्दी से, ठीक है? उसमें हमने ये बोला कि जो भी इंस्ट्रक्शन होती है कंप्यूटर को, हम जब इंस्ट्रक्शन पास करते हैं कोई भी, तो वो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन हो जाती है आपके कंट्रोल यूनिट के पास। कंट्रोल यूनिट उसको चेक करता है कि जो इंस्ट्रक्शन है किस टाइप की है। अगर तो इंस्ट्रक्शन कोई कैलकुलेशन होती है तो कैलकुलेशन के लिए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU को पास कर देता है। अगर जो इंस्ट्रक्शन है उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, उसमें किसी चीज को टर्न ऑन या टर्न ऑफ करना है, ठीक है, तो वो कंट्रोल यूनिट उस स्पेसिफिक डिवाइस को विद द हेल्प ऑफ जो भी मैकेनिज्म है उसके थ्रू सेंड करता है। वो मैकेनिज्म अभी हम लोग पढ़ेंगे भी, ठीक है? वो क्या होता है उसको हम बसेस कहते हैं। तो उसकी हेल्प से बेसिकली वो डिवाइस को ऑन या ऑफ करता है। इसी तरीके से जब हम हमारा कोई भी काम ऐसा हो जो इंस्ट्रक्शन ऐसी हो जिसमें कंप्यूटेशन रिक्वायर्ड हो, तो वो माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर जाती है, माइक्रो प्रोसेसर के पास जाती है मशीन कोड के अंदर या मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो, ठीक है? तो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर अगर इंटरनली माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जंप कर जाए, ठीक है, तो उसके अंदर रजिस्टर्स होते हैं और हर रजिस्टर का रजिस्टर आर बेसिकली स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ प्रोसेसर, ठीक है? यानी जो माइक्रो प्रोसेसर की कैपेबिलिटी है उसको यूज करते हुए आपके पास स्पेशलाइज्ड हर टास्क के लिए एक रजिस्टर है। फॉर एग्जांपल डिस्प्ले का काम है तो उसके लिए आपके पास एक रजिस्टर है DL के नाम से, ठीक है? इसी तरीके से कोई कैलकुलेशन का काम है तो उसके लिए आपके पास एक्यूमुलेटर रजिस्टर है AL के नाम से। इसी तरीके से अगर कोई मेंटेनेंस का काम है कि मिसाल के तौर पर कितनी इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं, कौन सी इंस्ट्रक्शन पर अभी कंप्यूटर है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या है, इस चीज को मेंटेन करने के लिए आपके पास प्रोग्राम काउंटर होता है, ठीक है? इसके अलावा और भी रजिस्टर होते हैं लेकिन मेजरली हम इन तीन रजिस्टर को ही देख रहे होते हैं। फ्लैग रजिस्टर होता है, वो ऑन एंड ऑफ के बता रहा होता है, स्टेटस बता रहा होता है, लेकिन मेजरली जो हमारा जिनसे वास्ता पड़ता है वो ये तीन रजिस्टर्स ही हैं, ठीक है? अच्छा, लास्ट बात मैंने जो कही थी कि हर रजिस्टर अगर हम लोग प्रीवियस आर्किटेक्चर्स के लिहाज से देखें तो 16 बिट का होता है। तो प्रोग्रामेटिकली जब आप इसकी प्रोग्रामिंग करोगे इन फ्यूचर, आप लोग अगर असेंबली लैंग्वेज माइक्रो प्रोसेसर का कोर्स पढ़ोगे तो उसमें आप असेंबली लैंग्वेज लिखते हैं, कोड लिखते हैं, उस कोड कोडिंग लैंग्वेज को असेंबली कहा जाता है। और असेंबली लैंग्वेज में वो क्या रहा होता है, बेसिकली आपकी जो भी इंस्ट्रक्शन होती है, आप जो भी काम करना करवाना चाह रहे होते हैं आप वो प्रोसेसर लेवल के ऊपर कर रहे होते हैं, ठीक है? नॉर्मली हम जब कोड कर रहे होते हैं, जैसे आप लोग सी शार्प अभी पढ़ रहे होंगे प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के अंदर, ठीक है, तो सी शार्प का जो कोड है वो डायरेक्टली माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर रन नहीं हो रहा होता, बीच में एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है जिसको हम कंपाइलर या इंटरप्रेटर कहते हैं, ठीक है? कंपाइलर आपका होल पूरे प्रोग्राम को पढ़ लेता है, एग्जीक्यूट कर देता है, और जो इंटरप्रेटर है वो लाइन बाय लाइन आपके कोड की एग्जीक्यूशन करता है। तो आप प्रोग्राम, तो जितनी भी मॉडर्न लैंग्वेजेस हैं वो डायरेक्ट माइक्रो प्रोसेसर लेवल के ऊपर कोड नहीं कर रही होती, ठीक है? उसके बीच में कंपाइलर या इंटरप्रेटर होता है, ठीक है?
जबकि असेंबली लैंग्वेज जो है ठीक है वो डायरेक्टली जो आप कोड करते हैं वो आप माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर ही कर रहे होते हैं, इसीलिए असेंबली लैंग्वेज का जो जो स्पीड है, स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन है वो बहुत अच्छी होती है और बहुत फास्ट होती है, क्योंकि वो डायरेक्ट प्रोसेसर के ऊपर रन हो रही होती है, क्योंकि थर्ड पार्टी बीच में इन्वॉल्व नहीं होता टूल। इसी वजह से थोड़ी सी असेंबली लैंग्वेज कॉम्प्लिकेटेड कह लें या कॉम्प्लेक्स कह लें, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स भी होती है ठीक है, टू अंडरस्टैंड मतलब कह लें आप उसका जो सिंटैक्स होता है, जो उसका तरीकेकार है उसको लिखने का, वो थोड़ा सा टफ होता है और स्टूडेंट्स उसमें थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं, लेकिन वो एट दैट टाइम जब भी वो आप पढ़ेंगे तो आप इंशाल्लाह उसको, ऐसी बात है उस कोर्स में सीखेंगे तो आपके लिए फिर इंशाल्लाह मसला नहीं होगा ठीक है। खैर तो उस ऐसे तो ऐसे इस सारी बात करने का जो मकसद था वो इस पॉइंट पे लाना था कि जो 16 बिट का जो रजिस्टर है विद द हेल्प ऑफ असेंबली लैंग्वेज आप इसको टू पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं ठीक है। फॉर एग्जांपल एएल और एएल और एएल और एएच में डिवाइड कर सकते हैं ठीक है। एएल और एएच क्या होता है, एएल और एएच बेसिकली आप एक ही रजिस्टर को दो फ्रेगमेंट्स में या दो पार्ट्स में तोड़ देते हैं ठीक है। आप ये कह लें एक लेफ्ट हैंड होता है ठीक है, एक राइट हैंड कह लें या तो रजिस्टर का, या तो एक लोअर एंड कह लें एक हायर एंड कह लें रजिस्टर का। तो इस तरीके से बेसिकली आपका जो रजिस्टर होता है हर रजिस्टर को आप पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ असेंबली लैंग्वेज ठीक है। तो फिर जो वो रजिस्टर होता है वो 8 बिट का, अगर 16 बिट का है टोटल तो वो 8 बिट का हो जाएगा, अगर 32 बिट का है तो 16 बिट का हो जाएगा, मतलब यूज कर सकते हैं आप उसको इस पैटर्न पे ठीक है। लेक्चर्स में अपलोड हमेशा करता हूँ मोहम्मद अली, लास्ट टाइम भी लेक्चर्स अपलोड करे मैं, यूट्यूब का लिंक शेयर्ड है गूगल क्लासरूम पे, आप उससे भी रिविजिट कर सकते हो ठीक है। अच्छा जी, तो बेसिकली इस फ्रेगमेंटेशन का या इस पार्ट में डिवाइड करने का फायदा क्या है, इस पार्ट में डिवाइड करने का फायदा ये है कि इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ दीस रजिस्टर्स ठीक है, क्योंकि आप देखें जाहिर सी बात है पूरा कंप्यूटर, पूरा का पूरा जो कंप्यूटर है ठीक है वो एक हार्डवेयर है ठीक है और एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, और ये बात हम सबको पता है कि इलेक्ट्रिक कंपोनेंट जितने भी हो उनकी एक सर्टेन लाइफ होती है, एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है, फॉर एग्जांपल 2000 आवर्स, 3000 आवर्स, 5000 आवर्स, 6000 आवर्स, उसके बाद वो उनकी परफॉर्मेंस आहिस्ता आहिस्ता स्लोली एंड ग्रेजुअली डिक्रीज हो जाती है ठीक है बाय द स्पैन ऑफ टाइम। तो अगर हम जो हमारी डिवाइस है अगर उसको हम इफेक्टिवली यूज कर लें, उस कंपोनेंट को इफेक्टिवली इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को यूज कर लें, तो ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाला जो 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 रेशियो है वो हम थोड़ा सा बेहतर बेहतर यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इसी वजह से ये फ्रेगमेंटेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो इसलिए हम यूज करते हैं कि अगर हमारा जो काम है जो हम इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं ठीक है, अगर वो उसको 16 बिट्स चाहिए ही नहीं फॉर एग्जांपल मेमोरी रजिस्टर की, अगर उसका काम 8 बिट्स को हो सकता है तो हम 8 बिट्स को यूज करेंगे ना कि हम 16 बिट्स को यूज करेंगे ठीक है। और अगर हमारा काम ऐसा है कि वो 16 बिट्स से होगा तो उसके लिए 16 बिट यूज करेंगे ठीक है, और अगर उससे बड़ा कोई टास्क है तो उसकी फिर हम उसको हम डिवाइड कर देंगे 16 बिट की इंस्ट्रक्शंस में, वो काम सारा का सारा डिवीजन का या प्रोग्राम काउंटर का होता है ठीक है। बाय द वे जो अभी हम ब्रांच जिसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर रहे हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर को थोड़ा सा ड्राई है, तो अगर कहीं पे आप लोग कंफ्यूज हो तो शर्माइएगा नहीं, पूछ लीजिएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें कभी कभार कंफ्यूजिंग होती हैं, तो अगर आपको कोई चीज़ कहीं पे क्लियर नहीं है तो काइंडली पूछ लें, बाद में यह ना हो कि आप बाद में जब रिविजन करने बैठे हैं तो आपको चीज़ें क्लियर ना हो रही हो। यहाँ तक सबको सब चीज़ें क्लियर हैं, फिर मैं आगे बढ़ूँ। कौन सी चीज रिपीट कर दी? अरे जो भी आपने क्लास में स्टार्ट किए सेकंड में ये वाला पार्ट यू चीज रिपीट कर दो 16 बिट वाला, ठीक है कर दो। इस पार्ट का मैंने ये कहा कि जितने भी रजिस्टर्स होते हैं जो हमारे माइक्रो प्रोसेसर के अंदर ठीक है, तो जितने बिट का हमारा माइक्रो प्रोसेसर होता है बेसिकली उतने बिट का अंदर रजिस्टर होता है ठीक है। बेस का उसी की बेस में माइक म्यूट कर ले अपना फैजान, फैजान जी बेस का गलती से खोल लिया, मेरा माइक म्यूट था, नहीं ये दूसरा फैजान है एक और उसको बोल रहा था, मैं आपको नहीं कह रहा था, दो फैजान है मेरी क्लास में।
खैर, तो जितने बिट का हमारा बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर होता है, ठीक है, जो बिट का जो आर्किटेक्चर होता है, उतने ही बिट के हमारे रजिस्टर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोल रहा हूँ कि 32 बिट का मेरा माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि मेरे जो जितने भी अंदर माइक्रो प्रोसेसर के अंदर रजिस्टर्स हैं वो भी 32 बिट के हैं। अगर मैं बोल रहा हूँ मेरा माइक्रो प्रोसेसर 64 बिट का है, ठीक है, तो वो 64 बिट के अंदर उसके बेसिकली रजिस्टर्स हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकती है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी जब हम चेक करते हैं राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज को, ठीक है, तो वो ये बेसिकली बता रहा होता है कि आपका जो ओएस इंस्टॉल हुआ है, ठीक है, वो कितने बिट का है, 32 बिट का है या 64 बिट का है। तो वो जो 64-32 बिट है वो अलग चीज़ है, वो आपका सॉफ्टवेयर लेवल पे, और ये जो हम पूरी बात करें ये हार्डवेयर लेवल के ऊपर है, ठीक है, जो एक्चुअल जो आपकी डिवाइस है उसके लेवल, 16 हो, 8 हो, 32 हो, 64 बिट हो, इन सब का जो काम है बेसिकली, बेसिकली जब आप इंस्ट्रक्शन देते हैं ना कंप्यूटर को, ठीक है, तो आपकी हर इंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट एक आपका पूरा चंक बनता है इंस्ट्रक्शन का, ठीक है, जिसको इंस्ट्रक्शन सेट भी कहा जाता है, ठीक है, जिसमें एक ऑपरेशनल कोड होता है और एक बेसिकली आपकी एक्चुअल जो डेटा होता है वो होता है, ठीक है। तो जितना बिट का आपका माइक्रो प्रोसेसर होगा उतना बड़ा उतनी बड़ी इंस्ट्रक्शन को वो एट अ टाइम एग्जीक्यूट कर सकता है, आपकी प्रोसेसिंग स्पीड एक्चुअली फास्ट हो जाती है। That is the main application of this thing. ठीक है? All right. तो मैंने ये कहा कि for example ये जो processor है हमारा 16 bit है अगर, ठीक है, तो अगर 16 bit का इसके अंदर microprocessor लगा हुआ है तो इसका मतलब इसके जितने भी registers हैं 16 bit के, program counter, accumulator register, display register. तो display register for example अगर मैंने 16 bits का है और अगर मेरी कोई इंस्ट्रक्शन ऐसी आई है जिसके लिए मुझे 16 बिट से कम में भी मेरा काम हो सकता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल 4 बिट्स में मेरा काम हो सकता है, तो मैं क्या करूंगा कि इस 16 बिट वाले रजिस्टर को हाफ में डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। उसके लिए प्रोग्रामिंग टेक्निक है जिसको असेंबली लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है, वो ये काम कर रही होती है। नॉर्मली हम कंप्यूटर्स में ये चीज़ तो खुद जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये मैनेज कर रहा होता है, लेकिन अगर आप खुद एक्सपेरिमेंट करना चाहें, इस चीज़ को देखना चाहें या विजुलाइज करना चाहें, तो उसके लिए असेंबली लैंग्वेज आप जब इंशाल्लाह सेकंड या थर्ड सेमेस्टर में अगर आप लोगों के आउटलाइन में है तो आप लोग पढ़ेंगे, और उसमें बेसिकली आप माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर कोड करते हैं, और उसमें ये जो बात है कि मतलब 8 बिट और 16 बिट में आप रजिस्टर को ब्रेक करके भी काम कर रहे होते हैं, कभी उसको कम्प्लीटली यूज करके भी काम कर रहे होते हैं। तो डेट वॉज द बेसिकली इंटेंशन टू इंट्रोड्यूस दिस थिंग। क्लियर है सबको? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई क्यूरी हो? यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस सर, क्लियर है। यस सर। ठीक है भाई, काफी है, काफी है, दो तीन ने बोल दिया काफी है, चैट पे लिख दिया करो। नेक्स्ट थिंग जो है उसको समझने के लिए एक छोटी सी मैं सैंपल ले लेता हूँ, या सॉरी मेमोरी है, ठीक है, ये आपकी मेमोरी है, ठीक है, ये जो बॉक्स बेसिकली मेमोरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये बॉक्स बेसिकली आपका सीपीयू को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसके अंदर आपका अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है और आपका माइक्रो प्रोसेसर है, आपका कंट्रोल यूनिट है, ठीक है। मेमोरी का जो काम है हमारे सिस्टम के अंदर वो क्या है, टू स्टोर, राइट, जब हम कुछ भी काम करते हैं, ठीक है, या जो भी कोई भी टास्क परफॉर्म करते हैं, तो अगर हम उसके अकॉर्डिंगली उस टास्क के लिए कोई चीज़ सेव करना चाहें, ठीक है, या कोई चीज़ डेटा को मेंटेन करना चाहें, तो उसके लिए हम मेमोरी बेसिकली यूज़ करते हैं, ठीक है। मेमोरीज की भी टाइप्स हैं, एक प्राइमरी मेमोरी होती है, एक सेकेंडरी मेमोरी होती है, ठीक है, जिसको हम देख भी चुके हैं, ठीक है, जिसमें आपकी
प्राइमरी के अंदर तो आपकी रैम आ जाती है, रोम आ जाती है, और सेकेंडरी के अंदर आपकी हार्ड ड्राइव आ जाती है, फ्लैश ड्राइव आ जाती है, ठीक है, जिनको हम लोग यूएसबी भी कहते हैं, ठीक है, उनको यूज हम कर रहे होते हैं। तो मेमोरी का अगेन सोल पर्पस ये है टू स्टोर, ठीक है, मेमोरी आपका स्टोरेज है बेसिकली, ठीक है, और सीपीयू अपने अंदर इंटरनली, ठीक है, जितना भी प्रोसेसिंग का काम है सीपीयू वो तो कर रहा होता है, लेकिन अपने अंदर इटसेल्फ स्टोर नहीं कर रहा होता। यानी कि आपका जो मदरबोर्ड है, जो आपका एक कंप्यूटर है, इज द कलेक्शन ऑफ मल्टीपल यूनिट्स। इसमें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक अलग पूरा काम है, या एक पूरा एक कह लें एक पार्ट है आपके हार्डवेयर का, मेमोरी एक सेकेंड पार्ट है, इसी तरीके से पेरिफेरल डिवाइसेस तीसरा पार्ट है, ठीक है, और इनके कॉम्बिनेशन को हम लोग यूज करते हुए कंप्यूटर हमेशा यूज हो रहा होता है। कभी हम लोग कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उसके उस वक्त हमारा सीपीयू यूज हो रहा होता है, मेमोरी इतनी यूज नहीं हो रही होती है, लेकिन जब हम उस कैलकुलेशन को सेव करना चाहते हैं या स्टोर करना चाहते हैं या शो करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर मेमोरी यूज होती है, क्योंकि मेमोरी फिर उस चीज को अपने पास स्टोर करती है, फिर उस चीज को डिस्प्ले करती है। मेमोरी की भी डिफरेंट टाइप्स हैं, उसमें हम लोग अभी थोड़ी देर में जंप करते हैं, ठीक है। असल में इस फिगर को बनाने का जो मेरा इंटेंशन थी वो बेसिकली वाज टू इंट्रोड्यूस यू बसेस, ठीक है, ये जो बेसिकली ऑपरेशन है, पैरेलल और सीरियल में क्या डिफरेंस है मैं उस पर आता हूँ। बस क्या होती है, ठीक है, बस बेसिकली आपकी कोई भी ऐसा मैकेनिज्म जिसके थ्रू आपका डेटा फ्रॉम वन एंड टू सेकंड एंड ट्रेवल कर सके उसको बस कहते हैं, ठीक है। ये बहुत ही प्रिसाइज और आसान डेफिनेशन की कोशिश करी है मैंने आप लोगों के लिए, ड्राइव करूँ वरना इसकी डेफिनेशन अजीब कॉम्प्लिकेटेड भी मिल सकती है, लेकिन सबसे आसान तरीके से बस को यूज कर सकते हैं। कोई भी ऐसा मैकेनिज्म जिसके थ्रू डेटा को हम लोग एक एंड से दूसरे एंड पर भेज सकें, ठीक है, या एक एंड से दूसरे एंड पर रिसीव कर सकें, दैट इज बस, ठीक है। और ये बस बेसिकली आपके सिस्टम के अंदर इंटरनली की बात हो रही है। अब आप ये नहीं कि इंटरनेट के ऊपर जो डाटा पैकेट जा रहे होते हैं आप उसको ये बस कहने लग जाए, वो बस नहीं है, ठीक है, वो अलग चीज़ है, उसका कॉन्सेप्ट अलग है, वो नेटवर्क के सेंस में चले जाता है। जी बिल्कुल, जिस तरह मदरबोर्ड के अंदर वायर्स होती हैं, लाइन्स होती हैं, वो एक तरीके की बसेस होती हैं, बिल्कुल। इसी यूएसबी जो होती है उसको यूनिवर्सल सीरियल बस ही कहा जाता है, कि उसमें बेसिकली क्या होता है, मेमोरी होती है, उसमें स्टोरेज कैपेसिटी होती है और उसके अंदर कुछ वायर्स होती हैं जिसके थ्रू बेसिकली डेटा आपका ट्रेवल हो रहा होता है और रीड राइट ऑपरेशन आप लोग परफॉर्म कर रहे होते हैं। इतनी भी हमारी डिवाइसेज हैं कंप्यूटर के अंदर या इंटरनेट के ऊपर भी, ओवर द इंटरनेट भी हम लोग हमेशा जितना भी काम कर रहे होते हैं ज़्यादातर काम हमारा रीड एंड राइट हो रहा होता है। या तो हम डेटा को स्टोर कर रहे होते हैं, राइट कर रहे होते हैं, या तो डेटा को हम रीड कर रहे होते हैं यानी रिट्रीव कर रहे होते हैं, ठीक है। फ्रॉम फॉर एग्जांपल मैं www.google.com लिखता हूँ तो www.google.com जाता है सर्वर पे, ठीक है, गूगल के, और वहाँ से उठा के वो उसकी जो फाइल है वो लाके मेरे सामने डिस्प्ले कर देता है, उसकी जो HTML फाइल होती है, ठीक है, वो मेरे सामने शो हो जाती है। फिर मैं उसको यूज़ करना चाहता हूँ तो उसके ऊपर मैं सर्च करता हूँ, राइट करता हूँ, तो वो फिर इंटरनेट से उस पूरे जो फॉर एग्जाम्पल मैंने देखा PF कीट, ठीक है, तो PF कीट के रिलेटेड जितने भी पेजेस होंगे गूगल क्या करेगा उसको उठा के रीड करके मुझे लाके शो कर देगा, उसके बाद मैं क्लिक करता हूँ। इस तरीके से हम लोग इसको यूज कर यूजेज बेसिकली ये है। तो सिस्टम के अंदर, ठीक है, इसी तरीके से कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कोई भी काम, कोई भी डाटा एक जगह से दूसरी जगह भेजना हो या दूसरी जगह से पहली जगह पे लाना हो, यानी टू एंड फ्रो कोई भी काम हो, ठीक है, तो उसके लिए बसेस हम लोग यूज करते हैं। बसेस की दो टाइप्स होती हैं, एक पैरेलल होती हैं, एक सीरियल होती हैं। सीरियल बसेस वो बसेस होती हैं जो कि एट अ टाइम एक काम कर सकती हैं, या तो रीड कर सकती हैं या तो राइट कर सकती हैं, ठीक है, और पैरेलल बसेस वो बसेस होती हैं जो एट अ टाइम रीड भी कर सकती हैं, एट अ टाइम राइट भी कर सकती हैं, ठीक है, यानी एट अ टाइम का मतलब ये कि कॉन्करेंटली वो
रीड भी कर रही होती है, राइट भी कर रही होती है, जबकि सीरियल बसेस एट अ टाइम या तो रीड कर रही होंगी या तो राइट कर रही होंगी। स्पीड अगेन दोनों की अच्छी होती है, तो हम लोगों को एज अ नॉर्मल यूजर अंदाजा इसका नहीं होता कि सीरियल पे क्या फर्क पड़ा है और पैरेलल से क्या फर्क पड़ा है। फॉर एग्जाम्पल यूएसबी 2.0 अगर आप गूगल पे सर्च करो और यूएसबी 3.0 सर्च करो, ठीक है, तो यूएसबी 2.0 बेसिकली जितनी भी यूएसबी थी वो सीरियल यूएसबी थी, ठीक है, और 3.0 के बाद जितनी भी यूएसबी हैं वो सारी की सारी पैरेलल है, यानी वो एट अ टाइम रीड राइट कर सकती है, इसलिए उनकी स्पीड कंपैरेटिवली प्रीवियस यूएसबी से स्पीड ज़्यादा होती है और इसी वजह से वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव भी होती है, ठीक है। तो खैर इतनी एक्सपेंसिव शायद ना रही हूँ, लेकिन शुरू शुरू में जब आई थी तो एक्सपेंसिव होती थी, बैक इन 2012-2013 के आसपास मेरे ख्याल ये आ गई थी पैरेलल यूएसबी, पाकिस्तान के लिहाज से बात कर रहा हूँ, बाहर हो सकता है मतलब फॉरेन कंट्रीज में हो सकता है एक आध साल पहले आ गई हो या दो साल पहले आ गई होगी, ठीक है। तो उस वक्त उसकी प्राइस मतलब अगर एक यूएसबी फॉर एग्जांपल 2.0 की 1000 रुपीस की है तो 3.0 की 2000 या 1500 की मिलेगी आप, लाइक दिस डिफरेंस होता था, ठीक है। तो जितने भी हमारे फॉर एग्जांपल एक हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं क्लिक करूं इस फोल्डर के ऊपर, ठीक है, तो इस फोल्डर पे जब मैंने क्लिक किया आपके सामने एक फोल्डर खुल के आया, ठीक है, जिसमें कुछ फाइल्स हैं जो कि रिकॉर्डिंग है आप लोगों के अभी जो सेशन कंप्लीट हुआ है, ठीक है। अच्छा तो उसमें बेसिकली क्या हो रहा है, जब हम मैंने इंस्ट्रक्शन दी कि भाई क्लिक करने की, मैंने क्लिक करा और मैंने इंस्ट्रक्शन दी कि इस फोल्डर को ओपन करो, इसको हम फाइल एक्सप्लोरर कहते हैं, इसको ओपन करो, तो मैंने क्या किया, मैंने रीड करने की इंस्ट्रक्शन दी, तो रीड करने के फौरन मेरे सीपीयू ने इंस्ट्रक्शन पास करी मेरी मेमोरी को, ठीक है, कि भाई मेरे पास एक इंस्ट्रक्शन आई है जिसकी टाइप है रीड, आप क्या करो कि इसको रीड करके जो जो सॉफ्टवेयर कह रहे हैं या जो कंपोनेंट कह रहे हैं जो चीज कह रहे हैं इसको ओपन कर दो। उसने क्या किया कि मेमोरी से रीड किया, अच्छा भाई इस क्लिक किया है, इस पे इसने लास्ट टाइम कौन कौन से फोल्डर्स यूज कर रहे थे, ठीक है, तो उसने फोल्डर्स को ओपन करके मुझे शो कर दिया विद द हेल्प ऑफ पेरिफेरल डिवाइसेस जो कि मेरी स्क्रीन है, ठीक है। मैंने जब इस पे क्लिक किया एक, ठीक है, तो इसने जो बेसिकली मुझे शो किया इसके पीछे इसने पहले कंट्रोल यूनिट को बेसिकली इंस्ट्रक्शन पास हुई, कंट्रोल यूनिट ने प्रोसेसर को पास करी, प्रोसेसर ने चेक करा कि कौन सी इंस्ट्रक्शन है, सॉरी कंट्रोल यूनिट ने चेक किया किस टाइप की इंस्ट्रक्शन है, फिर उसने वो इंस्ट्रक्शन पास करी प्रोसेसर को, प्रोसेसर ने देखा कि मेमोरी के अंदर ये चीज पड़ी हुई है, मेमोरी से वो डाटा सारा उठाया और मुझे शो कर दिया, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ पेरिफेरल डिवाइसेस। बेसिकली हम कोई भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं तो वो बेसिकली इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ बसेस रीड एंड राइट होती है। मरियम का क्वेश्चन है कि सर पोर्ट्स एंड बसेस सेम होती हैं? पोर्ट्स एंड बसेस सेम मेरे ख्याल से नहीं होती, ठीक है, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है पोर्ट्स में और बसेस में तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है, जिस तरीके से यूएसबी पोर्ट है, ठीक है, तो यूएसबी पोर्ट क्या है कि वो आपकी यूएसबी आप उसे प्लग इन कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इटसेल्फ वो कुछ नहीं है, उसके ऊपर जब डिवाइस प्लग इन होगी फिर उसके बाद वो डेटा को ट्रांसफर करेगी, और भी मेरे ख्याल कुछ डिफरेंसेस हैं, मुझे अभी फिलहाल करेंटली याद नहीं आ रहा है, इसको आप गूगल कर लीजिएगा, वैसे तो दोनों सेम नहीं होती, माइनर सा डिफरेंस है दोनों में, ठीक है, मैं दिखा देता हूँ चलिए जल्दी से टाइम जाया करे बगैर। ये इसका बेहतर आंसर है और छोटा सा आंसर है, ठीक है, ठीक है, कि बसेस का काम क्या होता है, बेसिकली जो आपकी जो पोर्ट्स होती है उनको यूज करते हुए कनेक्शन एस्टेब्लिश करना, ठीक है, पोर्ट बेसिकली एक तरीका सॉकेट या जैक होता है, ठीक है, जबकि जो आपकी बस होती है वो खुद एक्चुअली डेटा ट्रांसफर कर रही होती है, तो ये एक मेजर इनमें डिफरेंस है, ठीक है। वैसे लोगों ने इसको वर्सेस तो नहीं करा हुआ, मतलब कंपेरिजन में नहीं लिखा हुआ, एक ही कंट्रास्ट में इसको लिखा हुआ है, लेकिन ये एक छोटा सा डिफरेंस है, ठीक है, कि जो बस है वो तो बेसिकली डेटा ट्रांसफर इटसेल्फ कर सकती है, लेकिन जो पोर्ट है वो इटसेल्फ डेटा ट्रांसफर नहीं कर सकती, उसको डेटा ट्रांसफर करने के लिए कोई ना कोई बस या कोई ना कोई ऐसी डिवाइस चाहिए जिसके थ्रू वो डेटा ट्रांसफर कर सके, ठीक है।
है, यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई प्रॉब्लम, कोई क्यूरी? नो सर। चले गुड सर। क्यूरी है? यस बोला, क्यूरी है, किसने बोला था? सारे चले जी, डिवाइसेस की तरफ पढ़ते हैं। अच्छा, डिवाइसेस में अगेन प्राइमरी डिवाइसेस जो होती है, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, ठीक है, ये बेसिकली प्राइमरी इनपुट डिवाइसेस हैं आपकी, ठीक है। इसी तरीके से आपकी आउटपुट डिवाइसेस में जो प्राइमरी डिवाइसेस यूज होते हैं, मतलब आउटपुट में जो डिवाइसेस है वो स्पीकर है और डिफरेंट टाइप्स है। तो इन डिवाइसेस को तो मैं नहीं डिस्कस करूंगा, लेकिन इनका पर्पस बेसिकली क्या है कि आपने जो इंस्ट्रक्शन देनी है कंप्यूटर को, उस इंस्ट्रक्शन को लेना और उस इंस्ट्रक्शन का जो रिजल्ट जनरेट हो रहा है उसको आपको शो करना, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपने काम दिया, आपने फॉर एग्जाम्पल आप बड़े भाई हैं, बड़े बड़ी बहन है, या कोई भी है, या आपके किसी बड़े ने आपको काम बोला, ठीक है, तो आपने वो काम उससे लिया और उसने जब वो काम आपने वो काम या जो टास्क उसने दिया था वो परफॉर्म कर लिया, तो आपने उसको रिपोर्ट कर दिया, भाई ये टास्क मैंने कर लिया, इसका इसका ये नतीजा निकला। फॉर एग्जाम्पल बचपन में ये बहुत होता है, होता हाँ हमारे बचपन में तो बहुत हुआ, आप लोगों के साथ पता नहीं हुआ नहीं हुआ, कि जब भी कोई कजन, बड़ा कजन आता था, वो पढ़ाई के मामले में खास तौर पे, भाई ये पढ़ो, छुट्टी इस तरह वो थी, समर हॉलीडेज होते थे जून जुलाई की, तो उस वक्त आके होमवर्क करवाने के लिए नॉर्मली पेरेंट्स कजन को बुला लेते कि हमारी ये सुनते हैं, ये खेलते रहते हैं, तो आप इनको आगे थोड़ा सा टाइट करें। तो उस सिनेरियो में ऐसा होता था, ठीक है, कि वो इंस्ट्रक्शन देते थे और फिर उसके इंस्ट्रक्शन देने के बाद थोड़ी देर बाद पूछते थे कि हाँ भाई जो काम दिया था वो हुआ नहीं हुआ। तो वही वाला काम है बेसिकली एक तरीके से, जो कि हम कंप्यूटर्स के अंदर भी कर रहे होते हैं, कि हम कंप्यूटर को जो काम देते हैं तो वो एक तरीके का इनपुट है, और जो वो रिस्पॉन्स देता है वो बेसिकली आउटपुट डिवाइस की हेल्प से हमें रिस्पॉन्स देता है कि ये जो आपने मुझे काम दिया था उसका ये बेसिकली फाइनल आउटपुट निकला है, ठीक है। मेमोरी में कैश मेमोरी को हम डिस्कस कर चुके थे, तो एक दफा उसको मैं जल्दी से रिकैप कर देता हूँ, ठीक है। कैश मेमोरी, कैश मेमोरी का बेसिकली पर्पस क्या है? कैश मेमोरी एक तो फास्ट मेमोरी, वन ऑफ द फास्टेस्ट मेमोरी इन मेमोरी टाइप्स होती है, ठीक है। और कैश मेमोरी का काम बेसिकली ये होता है कि जब आप इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन पास करते हैं, तो उस इंस्ट्रक्शन को बेसिकली अगेंस्ट जो भी डाटा लोड करना होता है वो डाटा सबसे पहले कैश मेमोरी लोड करती है, और उस कैश मेमोरी में लोड होने के बाद आपको बेसिकली डिस्प्ले होता है। कैश मेमोरीज की भी डिफरेंट टाइप है, L1 कैश होती है, L2 कैश होती है, L3 कैश होती है, उनकी डिफरेंट कैपेसिटीज हैं, डिफरेंट साइजेस हैं, उसके लिहाज से फंक्शनैलिटीज की एब्स्ट्रक्शन भी है, लेकिन एट द सोल एंड या सोल पर्पस जो है कैश मेमोरी का वो ये है कि जब आप इंस्ट्रक्शन उसको पास करें तो इंस्ट्रक्शन बेसिकली उसकी वो एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। सॉरी, जो भी इंस्ट्रक्शन आप पास करते हैं वो सबसे पहले कोई चीज़ उसकी फाइल है, कोई चीज़ ओपन करनी है, फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी गूगल क्रोम पे क्लिक किया या ये माइक्रोसॉफ्ट एज पे क्लिक किया, तो माइक्रोसॉफ्ट एज जो ओपन होगा सबसे पहले कैश मेमोरी में लोड होगा, उसके बाद रैम में लोड होगा, फिर मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। तो कैश मेमोरी में सबसे पहले आपकी चीज स्टोर होगी, इसीलिए ब्राउजर्स के अंदर कैश मेमोरी का कॉन्सेप्ट होता है कि वो आपकी जो एक तरीके से जो आप साइड लोड करते हैं उसको आपके ब्राउजर में स्टोर करके रख लेती है, तो आप जब नेक्स्ट टाइम उस चीज को ओपन करते हैं, उस वेबसाइट को विजिट करते हैं, तो वेबसाइट जल्दी खुल जाती है। मिसाल के तौर पर मैंने अभी गूगल क्रोम खोला था, अगर मैं नेक्स्ट टाइम खोलूंगा तो गूगल क्रोम ज्यादा तेज खुलेगा। इस चीज को आप खुद भी टेस्ट कर सकते हो, अपने सिस्टम को ऑफ करो और जैसे ही सिस्टम ऑन हो शटडाउन के बाद, ठीक है, हाइबरनेट मोड में नॉर्मल मोड के ऊपर, तो आप उसके किसी भी एप्लीकेशन को क्लिक करना, तो फर्स्ट टाइम जब आप उसको ओपन करोगे तो थोड़ा सा टाइम लेगी, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब उसको ओपन करोगे तो वो फौरन से चीज ओपन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो कैश के अंदर है, कैश मेमोरी के अंदर बेसिकली एक दफा को इंस्ट्रक्शन सेट या कह लें आप उसकी जो रिक्वायर्ड चीजें हैं वो बेसिकली एक तरीके से स्टोर हुई भी होती है, तो वो इसलिए उसका रिट्रीवल भी फास्ट हो जाता है। एक क्वेश्चन मेरा आंसर करना रह गया था, मोहम्मद अली ने क्वेश्चन किया था कि SSD इतनी फास्ट क्यों होती है एज कम्पेयर टू हार्ड ड्राइव, जो स्टैंडर्ड हमारी SATA हार्ड ड्राइव होती है। देखो, इसका जो मेजर रीजन है मैं हार्डवेयर एंड से ही बता देता हूँ, ठीक है, हो सकता है और भी हो, लेकिन
मैंने जो ऑब्जर्व किया है, ठीक है, वैसे मैं जो अभी सिस्टम यूज कर रहा हूँ इसमें SSD लगी हुई है, ठीक है, मैंने बहुत ज्यादा कोई सुपर फास्ट डिफरेंस नहीं देखा, ठीक है, डिफरेंस है थोड़ा बहुत, ठीक है, इतना बहुत कोई रॉकेट डिफरेंस नहीं है, पहली बात। दूसरी चीज जो आपकी साटा हार्ड ड्राइव होती थी, ठीक है, उस साटा हार्ड ड्राइव के अंदर रीड राइट हेड होता है, ठीक है, जब भी आपको इंस्ट्रक्शन या मेमोरी से कोई भी डेटा या तो उसपे स्टोर कर रहे हो या सेव कर रहे हो या रिट्रीव कर रहे हो तो वो रीड राइट हेड के थ्रू बेसिकली आपका वो डेटा प्रोसेस हो रहा होता है, जबकि SSD के अंदर रीड राइट हेड की जगह उन्होंने कोई और मैकेनिज्म यूज किया है जिसकी वजह से आपकी जो SSD है वो फास्ट होती है, रीड राइट हेड का काम उन्होंने हटा दिया है, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी वगैरह तो फ्रीक्वेंसी की वजह से वो चीज बेसिकली आपकी बेहतर हो गई है। अगर आपकी जो हार्ड ड्राइव है अगर उसकी उसका रीड राइट की हेड की फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छी हो तो SSD की आपको फील नहीं होगा कि आप SSD यूज कर रहे हैं या फिर आप साटा हार्ड ड्राइव या स्टैंडर्ड हार्ड ड्राइव यूज कर रहे हैं। कैश मेमोरी चिप्स वगैरह से फास्ट नहीं होती, कैश मेमोरी रैम से आपकी जो स्टैंडर्ड एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव होती है इस तरह जो आपकी सॉलिड हार्ड ड्राइव होती है स्टोरेज होता है उससे फास्ट होती है, चिप्स वगैरह से तो बोल देते हैं सही चिप होती है, कौन सी चिप की बात कर रहे हैं, यहाँ पे खाली मेमोरी के कंट्रास्ट में पूछ रहे हैं बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप चिप का मतलब आपका मेमोरी मेमोरी की चिप है रैम है और आपकी हार्ड डिस्क है तो ठीक उसके लिहाज से कैश मेमोरी फास्ट होती है। अच्छा जी यहाँ तो क्लियर है सब, यस सर आगे बढ़ते हैं। पहले इंस्ट्रक्शन साइकिल समझने के लिए इंस्ट्रक्शन समझ लेते हैं, वैसे तो मैंने इंस्ट्रक्शन साइकिल समझना था कि इंस्ट्रक्शन पहले ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विदाउट अंडरस्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन आपको इंस्ट्रक्शन साइकिल भी समझ नहीं आएगी। मैं मीटिंग को मेरे ख्याल से रीस्टार्ट कर लेता हूँ, 6 मिनट्स तकरीबन रह गए हैं तो कॉन्सेप्ट क्योंकि उसमें कंप्लीट नहीं हो पाएगा तो जो इंस्ट्रक्शन का पूरा कॉन्सेप्ट है ना मैं रीस्टार्ट कर रहा हूँ, तो फिर आप लोग रिकनेक्ट कर लें फिर उससे स्टार्ट कर लें, ठीक है।